कैथल जिले के गोला कस्बे में दिवाली की रात आतिशबाजी गिरने से कबाड़ी की एक दुकान में आग लग गई। आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को लगाया गया और दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस 2 मंजिला इमारत में आग से लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। आइए पहले ही घटनास्थल से लाइव फुटेज देखते हैं, उसके बाद दुकान के मालिक देशराज की बाइट भी सुनेंगे। दमकल की 1 गाड़ी, 2 गाड़ी फायर ब्रिगेड की यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन भी तैनात, आसपास के सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। रात का अंधेरा है। पानीपत राजनगर वार्ड नंबर 5 देशराज कॉलोनी में दिवाली के पटाखों के चलते रॉकेट कोई आकर ऊपर छत पे गिरा और यहाँ पर एक गोदाम में फैक्ट्री में आग लग गई और ये दीवार देख सकते आप किस प्रकार से दीवार गिर गई है। ये देखिए फैक्ट्री की दीवार गिर गई है। नुकसान ये आस्तबाजी के कारण हुआ, मतलब ऊपर से नीचे सारा सामान ऊपर बहुत पड़ा था जी, उसके कारण जाड़ में से नीचे आग आ गई जी, और 3-4 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया जी। और प्रशासन और DSP के मौके पे आ गए थे, 4 गाड़ियां पानी की मतलब इसके ऊपर लगी जी, जाकर आग पे काबू पाया गया जी इस पे जी। बाकी मेरे भी यहाँ सर में चोट लगी है जी, वो फायर ब्रिगेड का जो सामान वो उनका पाइप वगैरह पित्तल का जो था वो लगता है, मेरे सिर में चोट लगी है, बहुत ज्यादा नुकसान है। मतलब गरीब आदमी मतलब कहीं के नहीं रह गए, प्रशासन से हम दुआ करते हैं, हमारी कोई पुकार सुनेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।